मनोज पांडे, मैं आपका रुख कर रही हूं। कल सूर्य प्रकाश यादव ने एक कैच लिया और उस कैच ने कहीं ना कहीं एक इंडियन टीम के मोराल को जो बूस्ट किया, उसके बाद से इंडियन टीम थमी नहीं और वार करती चली गई। क्या सोचते हैं उस कैच को लेकर वहां के लोग, और उनको क्या लग रहा है कल के मैच को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया है? क्या अभी भी खुमार ही जो है उसकी बरकरार है? जी बिल्कुल, कल रात से जो जश्न मन रहा है वो जश्न लगातार सुबह तक जारी है। और आपको बता दें, जो कैच लिया उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने, वो इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि जो कैच जिस तरह से उन्होंने पकड़ा, उस अंदाज को, वो रील, उसकी तमाम तरीके की रील बनाई गई और वायरल हो रही हैं। और उसी कैच के बाद से कहा जा रहा है कि मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि सब कभी मैच इस पाले में कभी उस पाले में 20 बॉल पे 20 रन चाहिए थे। ये लग रहा था मैच हाथ से चला गया, लेकिन ट्रॉफी भारत के खाते में आई और भारत के घर में आई। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे फैंस से ही शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा था आपको, आखिरी टाइम पे जीतेगी या नहीं? मुझे पूरा विश्वास था इंडिया जीतेगी, पूरा विश्वास था, लेकिन आखिरी में तो फंस गया था मैच। आखिर में दिल की धड़कने तेज हो गई थी। और उसके बाद क्या किया? तेज हो गई तो फिर जब जीती तो क्या किया? जीती तो हम जिस होटल में खाना खा रहे थे, सब एकदम पूरे जोर से चिल्लाए। कैसे चिल्लाए? जोर से, इंडिया 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 इंडिया। इस तरह से आपने सबने जश्न मनाया था। क्या लग रहा था आपको? आप आखिरी में देख रहे थे कि मैच फंस आ गया था, ठीक है, और रोहित शर्मा भी कल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन विराट कोहली चले। जी बिल्कुल, विराट कोहली का प्रदर्शन एकदम बहुत बढ़िया लगा, इस किसी भी मैच में नहीं चले, बाकी ये फाइनल में हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या का भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, और सूर्य कुमार का जो कैच था डेविड मिलर का, वो मेन टर्निंग पॉइंट था, और बहुत ही बढ़िया टीम इंडिया, और बहुत ही हमें गर्व महसूस हो रहा है। हम जिस होटल में खाना खा रहे थे, पूरा झूम गए एकदम, बहुत मजा आ गया। ये बात सभी कह रहे, बच्चा भी कह रहा, आप भी कह रहे, होटल में खाना खा रहे थे, क्या आप कहीं बाहर से आए क्या? जी हम राजस्थान से आए हैं, यहाँ पे घूमने। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, जरा ये दिखाएं, ये पूरा जो ग्रुप है कि ये राजस्थान से आया हुआ है और यहाँ पर जीत का जश्न मना रहा है, बच्चे हो या बूढ़े हो, यहाँ पर आप तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से चीयर्स कर रहे हैं यहाँ पर मनोज, और खुशी कितनी ज्यादा है इसको लेकर के। देखिए, कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर के भारत में जो एक लगाव है, कहीं ना कहीं इसे देश से जिस तरीके से जोड़ा जाता है, देशभक्ति की तरह इसे पूजा जाता है एक तरीके से कहें क्रिकेट, तो वो खुशी चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैं पंकज आपका रुख करना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में भी जो तस्वीर वहां से आई, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करने वाली है। आप जम्मू में हैं, उत्तर भारत में मौसम बहुत अच्छा है, इस अच्छे मौसम में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता है, उसको लेकर के वहां के लोगों का क्या सोचना है, खास करके जिस तरीके से दो बड़े खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा का जाना उनके क्या परेशान कर रहा है, क्या लग रहा है कि आने वाले जब मैच होंगे तो मिस करेंगे विराट कोहली को और रोहित शर्मा को? ये बिल्कुल, देखिए इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और पूरे देश में बेहद ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। कल ऐसा लग रहा था कि मानो दीपावली हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की जाए, चाहे कश्मीर हो जम्मू हो, लोग घरों से बाहर निकले, मिठाइयां बांटी, आप देखिए कि ये वो जम्मू कश्मीर की जनता है जो बेहद ज्यादा उत्साहित है। पूरे देश में इसी तरह से तस्वीरें आ रही, ये देखिए इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, कितना खुशी का दिन है आपके लिए? बहुत खुशी का दिन है, आज इंडिया जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, बहुत खुशी का दिन है आज। कोई ऐसा पल आया था जब लगा था कि नहीं जा रहा है वर्ल्ड कप? वो तो लग रहा था कि जीते ना जीते, मगर जीत गया इंडिया। ऐसे जो कैच था सूर्य प्रकाश का, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का? हाँ, क्या कहेंगे मैच को लेकर, इंडिया ने इतिहास रच दिया है? बहुत खुशी की बात है कि इंडिया मैच जीता है, हमें बहुत गर्व है, हमें इंडियन है, इसी के लिए मुबारक देता हूँ आपको भी, इंडिया जीत गया। तो रात को कैसे सेलिब्रेशन हुई? बहुत अच्छी तरह हुई, धूम पटाखे हमने बजाए। जी जी, क्या कहेंगे, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है, अब T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे?
बहुत दुख हुआ है उनका, वो दोनों हमारे जो थे वो दिल की धड़कने थी, उन दोनों के लिए बहुत दुख हुआ है हमको। मैच जीतने से ज्यादा उनके लिए हमको दुख हो गया है। लेकिन खुशी है कि T20 वर्ल्ड कप, खुशी तो बहुत ज्यादा खुशी है। इसके लिए तो पूरा साल 11 साल हो गए हमको इंतजार करते करते, आज हमको रात को उन्होंने बहुत अच्छी खुशी दी। T20 से संन्यास लिया है लेकिन बाकी तो वो खेलेंगे, और फिर भी T20 में भी वो किंग है, वो T20 में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, दोनों किंग थे। कितना खुशी का पल था आपके लिए जब आपने देखा कि ट्रॉफी भारत के पास आ गई? मैं कहता हूँ इस खुशी का आपके चैनल से मैं ये बताता हूँ कि हमें इतनी खुशी है, वो जो पल था हमारे लिए वो ऐसा था हमारी जिंदगी में ऐसा पल, मतलब इतने सालों के बाद इतनी खुशी हमें हुई है ना कि हम आपको बयान नहीं कर सके कि हमने चादरें ऐसे उठाई जैसे कि हमने दुनिया इस बार जीत ही ली है। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा बहुत है जो बुमराह ने लास्ट ओवर में जो बॉलिंग की है बहुत अच्छी की है, उन्होंने 4 रन देकर जो विकेट ली है उसी से पूरा मैच जो है, मतलब इंडिया के सारे खिलाड़ी अच्छे, लेकिन मैच को पलटी देने के मुख्य कारण ही वही है। और हम बुमराह की बहुत ही अच्छी तरह से उनको कांग्रेस करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ऐसे ही खेलते रहिए, हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और इंडिया के बेस्ट प्लेयर हमारे इंडिया के सारे बेस्ट प्लेयर हैं। और मैं हमें दुख हो रहा है आज विराट जी ने ये कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ क्योंकि वो जा रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें दुख बहुत है, लेकिन खुशी भी है कि वो जाते जाते एक नाम दे के जा रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप हमें दे दिया, हमारे हाथों में दे दिया। कप जो है हमारे मिल चुका है, क्या कहेंगे? T20 वर्ल्ड कप जो है बारह जीत चुका है, क्या कहेंगे? जी सर, वर्ल्ड कप जो सूर्य कुमार ने कैच लिया लास्ट गेंद में, ओवर लिया जो कैच अच्छा पकड़ा, ठीक है, बाउंड्री के पास, और उसके बाद जो विराट ने अच्छे स्कोर मारे। पूरा मैच देखा? हाँ पूरा मैच देखा। इंडिया अगर अपने हाथ में ले लेता ना, किसी को नहीं जीतने देता। अगर इंडिया हमारा सारा इंडिया भारत पूरा खुशी मनाया, बम फटाका पूरा फोड़ा, इसीलिए अपने चैनल के धन्यवाद। दीपावली मनाई, बहुत ज्यादा मनाया सर, क्या बताएं, इतना मजा आया कि पहली बार 11 साल के बाद इंडिया वर्ल्ड कप T20 जीता है, तो इसमें मेरा 100% है हार्पिक पांडे यानी हाँ जी हार्पिक पांडे नहीं रहता तो मैच जीत ही नहीं पाता। अच्छा हाँ जी, क्या कहेंगे, जीत का श्रेय पूरी टीम को? पूरी टीम को जाना चाहिए यार। और जो विराट कोहली का ज्यादा दुख लग रहा है यार, हार्दिक पांड्या का भी ज्यादा दुख लग रहा है इस बात का, उसकी बीवी छोड़ के चले गई। अच्छा क्या कहेंगे आप, पूरा मैच देखा आपने? हाँ जी सर। सर मैच सिर्फ हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, अगर वो मैच की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं इंडिया के हाथ से जा रहा था, उसी टाइम से जो क्लासन की विकेट ली उसने, मैच बहुत वापसी आ गई वहां में। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी, विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मतलब जितने बहुत मजा आ गया। कैसे सेलिब्रेशन हुई? बहुत मजा किया सर, पटाखे आतिशबाजी। हाँ जी हाँ जी, देखिए बेहद ज्यादा फैंस में खुशी। और ये देखिए लगातार आप ये बताएं कि पूरा मैच शुरू से एंड तक देखा? ये देखिए कितना खुशी का पल है आज आपके लिए? बहुत 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 खुशी का पल है। हम रात में ट्रेन में थे, हम पूछिए जब मैच इधर यात्रा करने के लिए अमरनाथ जी की, तो हमने वो ट्रेन में मैच देखी पूरी। जब अक्षर पटेल का ओवर आया था तो अक्षर पटेल के ओवर में ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से चला गया, लेकिन वो बाद में हर्षदीप सिंह और बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जो संभाल लिया उसके वजह से मैच आज जीत गए। पंकज इन लोगों से पूछिए कि जिस तरीके से पूरा मैच हुआ और जब जीत हासिल हुई उसके बाद से रोहित शर्मा रोते हुए नजर आए, विराट कोहली के आंखों में आंसू था, टीम के अलग अलग मेंबर्स को देखे तो वो खुशी के जो आंसू दिखाई पड़ रहे थे उसको लेकर के इनका क्या कहना है? जैसे ही मैच इंडिया के वर्ल्ड कप जीता T20 का, हमने देखा कि विराट कोहली की आंखों में आंसू थे, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे, वो पल आप लोगों के लिए कैसा था? बहुत बढ़िया पल था, लेकिन वो खुशी के आंसू थे जब सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया, जब ही हमने मैच जीत लिया था ऐसा वहां पे लग रहा था। क्या कहेंगे, बेहद ज्यादा खुशी का दिन? खुशी है बहुत, सिर्फ खुशी और कुछ नहीं। ये मौका ही ऐसा है पंकज की सभी लोग खुश हैं और पूरे देश में इसीलिए जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार राहुल पांडे आपका रुख करूंगी फिर से। राहुल, मैंने जो सवाल पूछा कि जिस तरीके से ये पूरा मैच रहा उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई जिसमें विराट कोहली रोते हुए नजर आए, रोहित शर्मा फील्ड में लेट गए थे और रोते नजर आए पहले, और उसके बाद उन्होंने तिरंगा लिया और जमीन में गाड़ने की पूरी कोशिश की, तो ये जो तस्वीरें थी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। वहां के लोग इन तस्वीरों को देखकर क्या कहना चाहेंगे? जी
जी बिल्कुल, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने करियर में एक विश्व कप जो है देश के नाम करने का, और वो सपना विराट कोहली का भी था और कप्तान रोहित शर्मा का भी था। इसका हालांकि 2007-2011 के बाद हम देखें तो कई ऐसे मौके आए भारतीय टीम के पास, भारतीय टीम से भी फाइनल गई लेकिन चूक जाती थी ट्रॉफी अपने नाम करने से। लेकिन हमने इसके पहले भी देखा था, कुछ महीने पहले जब अहमदाबाद में विश्व कप का फाइनल भारत हारा था तब रोहित शर्मा फूट फूट कर रोए थे, भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी जो है वो भी भावुक नजर आए थे। कल भी वो पल वापस देखने को मिला, लेकिन वो आंसू जो थे इस बार खुशी के थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि कल भारतीय टीम ने T20 विश्व कप जीता है और देखा कि रोहित शर्मा एक बार फिर इमोशनल नजर आए, विराट कोहली इमोशनल नजर आए, तमाम जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, हार्दिक पांड्या, उनके आंखों में आंसू छलक गए थे। इस पल को आप किस तरह से देख रहे थे? पहली बार तो इंडियन टीम को अपन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, 13 साल के बाद में अपन विश्व कप जीता है, और रोहित शर्मा कप्तान के और विराट कोहली की जो पारी से ये है टीम स्पिरिट, उनको भी अच्छा ही बोल सकते हैं। लेकिन अब तो रिटायरमेंट ले लिया, T20 फॉर्मेट में दिखेंगे नहीं हो। वो तो बात सही है, पर धोनी के बाद में तो रोहित शर्मा का नाम तो अभी आ गया है ना विश्व में, वो तो बात सही है। मुंबई का लड़का रोहित शर्मा, मुंबई में खेला, मुंबई से ही बड़ा हुआ और देश का नेतृत्व किया, वो तो सही है, पर आप कुछ बोल भी सकते हैं उनके बारे में। वो तो और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए कि कल के मैच को लेकर कितना अंदर से दिल की धड़कने वो थी, क्योंकि काफ़ी टफ मैच था और इसे फाइनल कह सकते कि फाइनल का मुकाबला था और एकदम कांटे की टक्कर थी। बहुत सारा अच्छा मैच हुआ, ऐसा लगा कि मैच पूरा चला गया था, लेकिन बॉलिंग एफर्ट है जो बुमराह ने ओवर डाला 16 हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वहाँ से मैच पलट गया। और मेन करके जब भी बॉलिंग नहीं दे रहे थे लेकिन सबने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया इंडिया ने। और T20 फॉर्मेट में देखते हैं कि 5 ओवर में 60-70 रन मार दिए जाते हैं, और 5 ओवर में जब लास्ट के 5 ओवर बचे थे और भारत टीम 29 रन डिफेंड करना था टीम को, और कितना चैलेंजिंग था टीम, और सामने क्लासेन, डेविड विलर जैसे आक्रामक बल्लेबाज टिके हुए थे, तो भारत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जिस हिसाब से टीम को वापसी कराई कितना चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो बहुत था, मैच तो चले गए थे लेकिन हौसला नहीं हारा इंडिया ने, इसके वजह से आज मैच जीते। मेन जो टर्निंग पॉइंट था जो क्लासेन का विकेट गया मेन टर्निंग पॉइंट में, और वहाँ पे जो गेंदबाजी की बुमराह और हार्दिक ने और हर्षदीप ने भी जो राहुल जश्न के साथ साथ विश्लेषण भी होना जरूरी है, और मुझे लगता है इसीलिए हमारे जो देश के लोग हैं वो खुश तो जरूर हैं, साथ ही साथ इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से मैच में वापसी हुई और किस तरीके से जीत हासिल हुई है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अलग अलग जगहों से बताया कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए बड़ा दिन है और ऐसे में 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत ने फिर से खिताब हासिल कर ली है, और ऐसे में जश्न मनाइए, गर्व वक्त इस वक्त जो है जश्न मनाने का है, और जिस तरीके से रात में दीपावली मनाई गई है उसी तरीके से वो बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि बड़ी जीत है। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।